मानव जाति का इतिहास लंबे संघर्ष का रहा है, जैसा कि आज हम देखते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत प्राचीन मानव शुरू से ही घुमंतु, मेहनती और एकांत प्रिय मानव रहा है। आज हम इस मेहनती व प्राचीन मानव के बारे में तथा उसके प्रमुख आविष्कारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से पृथ्वी पर आने के बाद इस प्राचीन मानव ने कैसे धीरे धीरे कुछ ऐसे आविष्कारों को जन्म दिया जिसकी बदौलत आज हम अस्तित्व बनाए हुए हैं, और किस प्रकार उस समय के मानवों ने खुद को इन आविष्कारों के माध्यम से खुद के जीवन यात्रा को अंजाम दिया। इन आविष्कारों से मानव जाति के विकास में अनेक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें सबसे मुख्य आविष्कार था आग का आविष्कार। वैसे तो माना जाता है कि मनुष्य करीब 15 लाख वर्ष पहले से ही आग से परिचित था, लेकिन शुरुआती समय में मानव आग से परिचित न होने के कारण काफी डरा रहता था। कुछ परिणामों के अनुसार ये पता चलता है कि लगभग 3 से 4 लाख साल पहले मनुष्य ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया था। परिणाम उन गुफाओं के सर्वे से मिले, उसमें से जो मुख्य आविष्कार था वो है हमारी बातें, जो बातें आज हम करते हैं। क्या प्राचीन समय में मानव भी ऐसे ही बोलना, लिखना तथा समझना जानते होंगे? ये जानना नामुमकिन है, क्योंकि आधुनिक मानव आज भी कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो समय कैसा रहा होगा जब प्राचीन मानव बोलना नहीं जानता होगा? मानव अकेले ही रहते थे, लेकिन जब मानव झुंड बनाकर रहना सीख गया उसके बाद ही बोली भाषा का विकास हुआ। आमतौर पर देखा जाए तो मानव शारीरिक रूप से दूसरे जानवरों की तुलना में काफी कमजोर होता था, तथा प्राचीन मानव ने भी ऐसे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए झुंड में रहना पसंद किया। देखा जाए तो जब मानव अकेला रहता होगा तो वो किसी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करता होगा, लेकिन जब वो समूह बनाकर रहने लगा होगा तो फिर बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने इशारों के माध्यम से एक दूसरे को समझने का प्रयास किया होगा, लेकिन धीरे धीरे जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार अन्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ा होगा। फिर इशारों की वजह मानव मुंह से ध्वनि निकालने लगा होगा, साथ ही साथ वो गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से अनेक जानवर और अन्य चीजों के चित्र बनाने लगे होंगे, जिससे उन्हें समझाने में आसानी हुई होगी, जिससे वो अपने भावों और विचारों को आपस में आसानी से समझने लगे होंगे। उसके बाद अगला आविष्कार था हथियारों का आविष्कार, यानी कि आदि मानव को पशुओं और जानवरों से भय होता था। वो उनसे बचने के लिए खुद के पास नुकीले हथियार रखते थे। वो किसी भी प्रकार के पत्थर और लकड़ी से वार करने लगे होंगे, जिससे कि जानवर डर के भाग जाते होंगे, जिसे देखकर मानव ने इन्हीं चीजों पर काम करना शुरू किया। अनेक प्रकार के हथियारों का निर्माण शिकार करने के लिए प्रयोग में लाने और शिकार किए गए पशुओं के चमड़े और पेड़ पौधों की पत्तियों को मानव ने वस्त्रों के रूप में एक और आविष्कार किया, यानी कि मानव को जब ठंड लगती होगी तो वो अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का उपयोग करने लगा होगा। इसी वजह से वो पेड़ों और पशुओं की खाल के रूप में उन्हें प्राप्त करने लगे होंगे। और अन्य आविष्कारों में पहिए का आविष्कार भी शामिल है। मानव काल में ये सबसे महत्वपूर्ण खोज है, जिसकी वजह से आधुनिक समाज पूर्ण रूप से विकसित हुआ, तथा उसके साथ साथ खेती का आविष्कार भी एक अनोखी खोज में से एक है। यानी मानव जब फलों का इस्तेमाल करता था तो उन्हें खाने के बाद वो बीज खाकर फेंक देता होगा, लेकिन बीजों और फलों को फेंकने के बाद उसी जमीन पर नए पेड़ पौधे उगने लगे होंगे, जिसे देखकर मानव ने इसी क्रिया को दोहराना शुरू कर दिया होगा। इसी प्रकार खेती का परिक्रमण जन्म लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।